पाकिस्तान और इंग्लैंड किसी ने दुबई में, लेकिन वो क्यों? PSL पाकिस्तान टीम को तबाह कर रही है। ये किसने कहा? दुनिया में सबसे कम तरीके वाला मैच कल खेला गया, वही वो किसके दरमियान? आज की वीडियो में बात करते हैं। वो दोस्तों क्रिकेट कॉमेडी में खुशाम दी। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। खैर मैं हैरान हूँ की जब छोटे यूट्यूबर सब्सक्राइब करने का बोलते हैं तो वो बिग मंगिया बन जाते हैं, और जब बड़े यूट्यूबर सब्सक्राइब करने का बोलते हैं तो वो ओजी बन जाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है दोस्तों। जैसा की आप सभी को पता है की पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है, और पिछली सीरीज में जो हमने किया यकीन करो हमारा नाम ही रोशन हो गया। लेकिन हम जो है वो सारा बदला लेंगे इंग्लैंड वालों से। लेकिन इंग्लैंड वालों ने हमारे साथ पिछली मरतबा क्या किया था? खैर दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने आना है पाकिस्तान और यहाँ पर कुछ टेस्ट मैचेस खेलने हैं, लेकिन जिन जगह पर खेलने हैं वो है भाई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। तो इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आई है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को दुबई में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को जो है वो अब दोबारा से तैयार किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई कराची क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर क्रिकेट स्टेडियम को जो है वो तैयार किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो यही वजह है कि PCB ने एक जबरदस्त फैसला लिया, क्यों ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले जो है वो रावलपिंडी की भी पिच ठीक की जाए, और साथ ही साथ उनके एरिया में उनकी जो सिटिंग वगैरह है वो बिल्कुल ठीक किया जाए। तो यही फैसला उन्होंने लिया कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को जो है वो दुबई में शिफ्ट किया जाए। भाई एक ही ग्राउंड बताया जा रहा है जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस हो सकते हैं, और वो ग्राउंड है भाई अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम। भाई हम सबको पता है कि हमारा जो दूसरा होम ग्राउंड है वो तो है दुबई। भाई दुबई में भी हम बहुत से मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन अब बहुत से हमारे जो इंडियन मेंस्टर्स थे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डर गया है, तो इसी वजह से ही अपने जितने भी मैचेस हैं वो अब दुबई में करवा रहे हैं। भाई हम डरे नहीं है, अपने ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए, जो वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को तैयार कर रहे हैं। तो भाई हम क्या डर रहे हैं यार, आप अपनी नीयतें साफ करो, अपनी सोच ठीक करो। खैर इंग्लैंड की टीम में से एक बुरी खबर ये भी आ रही है कि भाई उनके कप्तान यानी कि बेन स्टोक्स जो है वो पहला मैच नहीं खेलेंगे। तो भाई कप्तानी कौन करेगा वो तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। खैर दोस्तों इस हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये जबरदस्त फैसला किया गया है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में ही करवानी चाहिए थी, या PSL पाकिस्तान टीम को तबाह कर रही है। कल भाई मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। भाई हमारे जो साबिक क्रिकेटर है यानी कि यासिर अरफात जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि भाई PSL जो है वो पाकिस्तान टीम को तबाह कर रही है। भाई सबसे पहले यासिर अरफात के लिए जो वो जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए कि वो इस तरह की सोच रखते हैं PSL के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए। भाई अगर मैं यासिर अरफात को बताऊं कि भाई खाली PSL नहीं है जो कि पाकिस्तान वाले करवाते हैं, भाई इंडिया जो है वो अपनी IPL करवाती है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी बिग बैश लीग करवाती है, वेस्ट इंडीज जो है वो अपनी CPL करवाती है, बांग्लादेश जो है वो अपनी BBL करवाती है, इंग्लैंड जो है वो अपनी D100 लीग करवाती है, तो भाई अब वो लोग भी क्या अपनी टीम को जाया कर रहे हैं, अपनी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? भाई इस तरह की सोच मत रखो। अगर पाकिस्तान की टीम हार रही है तो इसको PSL पे क्यों डाल रहे हो? दुनिया के हर ममालिक में यार लीग होती रहती है, तो यार PSL को बदनाम ना करो पाकिस्तान के हारने पर। जो यासिर अरफात ने बोला बिल्कुल गलत बोला, क्या जो बेहतरीन जवाब वो असल में ये है कि भाई हमारे खिलाड़ियों को चाहिए कि वो अपनी नीयतें साफ रखे, एक दूसरे को ग्राइंड करे, एक दूसरे की हेल्प करे, तभी जो है वो हम जीत पाएंगे। अगर हमारी नीयतें साफ नहीं होगी, हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, तो भाई छोटी सी छोटी टीम जो है वो उड़कर हमें हरा देगी। तो सबसे पहले हमारी नीयतें साफ होनी चाहिए, सोच साफ होनी चाहिए, एक दूसरे खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जो है वो हम बड़ी टीम को भी आसानी से हरा देंगे। तो इसका असल जवाब ये है, ना कि PSL जो है वो पाकिस्तान को खराब कर रही है। दोस्तों इस हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या यासिर अरफात ने ये ठीक कहा, क्या वाकई ही PSL जो है वो पाकिस्तान टीम को तबाह कर रही है, या फिर ये जरा सर गलत है। दोस्तों दुनिया का सबसे कम तरीन रन वाला मैच कल खेला गया, भाई वो किस जगह पर अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है जिस तरह मुझे आई थी। भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड चल रहे हैं छोटी छोटी टीम्स के, यानी कि उसमें से जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम जो है वो क्वालिफाई होगी। तो भाई कल एक बहुत बड़ा मैच खेला गया, बड़ा मैच सिंगापुर और मंगोलिया के दरमियान जो वो कल मैच खेला गया मलेशिया के एक क्रिकेट स्टेडियम में। बंगी नाम देखो क्या रख दी, मैं शायद ही रख देते। खैर मैं ज्यादातर छोटे मैचेस देखता नहीं हूँ, लेकिन कल मेरा दिल कर गया कि यार इन दोनों का मैच देख लो। भाई मंगोलिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो मैच शुरू हुआ, सिंगापुर ने टॉस जीता, मंगोलिया को बैटिंग दी। अब मैं सोच रहा था कि मंगोलिया जो है वो 120 110 130 140 बना लेगी 20 ओवर्स में। उसने जो है वो मेरी उम्मीदों पर पानी फेंक कर सिर्फ और सिर्फ 10 रन पे ऑल आउट हो गई। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार, अब 10 रन पे ऑल आउट होने वाली
अपनी टीम से आप क्या उम्मीद रखोगे। गजब बेइज्जती है ना। मंगोलिया का ये था कि भाई उन्होंने 10 ओवर भी खेली, अब 11 का टारगेट था तो भाई सिंगापुर के दो ओपनर आते हैं और पहले ही ओवर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो भाई वो पहले ओवर में कंप्लीट कर लेते हैं और उन्होंने 10 ओवर में 10 रन बनाए। सिंगापुर को चाहिए था कि वो उनको इतना थकाते 15 ओवर तक जो है वो ये मैच लेकर जाते, उनको पता हो जाता कि यार क्रिकेट असल में होती क्या है। वैसे मेरा आईसीसी से ये सवाल है कि भाई इनके मैचेस ही क्यों करवा रहे हो यार, ये तो क्रिकेट की इंसल्ट है। यकीन करो 10 रन पे ऑल आउट हो रही है, इंडियन टीम भी खुश हो रही है कि उनका रिकॉर्ड टूट चुका है 36 रन वाला। यार इस हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कल वाला मैच किस किसने देखा, मंगोलिया और सिंगापुरी वाला। तो दोस्तों कल के क्विज के जो विनर है, जो मैंने क्विज दिया था कि भाई ये कौन सा खिलाड़ी है, तो भाई इस खिलाड़ी का नाम है बड़ी डिगी वाला, मेरा मतलब कि साउथ अफ्रीका का साबिक कप्तान यानी कि टिम्बा बबूमा। तो भाई वो मेरे कौन से दोस्त है जिन्होंने सही जवाब दिया, जिनके नेम जो वो लकी ड्रॉ में से निकले हैं। दोस्तों कल के क्विज के जो पहले विनर है वो है अली जान मलिक, तो अली जान मलिक के लिए जो वो जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए क्योंकि उसने सही जवाब दिया। और जो दूसरे हमारे विनर है वो है हसन रजा, तो हसन रजा के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो थर्ड हमारे विनर है वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो फोर्थ हमारे विनर है वो है कासिम क्रिकेट, तो कासिम क्रिकेट के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो फिफ्थ हमारे विनर है वो है नदीम असलम, तो नदीम असलम के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। जो सिक्स हमारे विनर है वो है हारून, तो हारून के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो सेवंथ हमारे विनर है वो है दाइम अब्बास, तो दाइम अब्बास के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो एट हमारे विनर है वो है लाल, तो बिलाल के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। तो खैर भाइयों वो मेरे दोस्त परेशान ना हो जिनके नेम जो वो आज की वीडियो में नहीं लिए गए, तो आज का जो क्विज है वो इससे बिजी होने वाला है। भाई मुझे ये बताओ कि यार ये कौन सा खिलाड़ी है। और आप सभी को पता है कि पार्टिसिपेट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फिर जो वो कमेंट सेक्शन में इस क्विज का आंसर देना, अदरवाइज आपका नेम जो वो नहीं लिया जाएगा। अगर दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और हमारा जो टारगेट है वो भाई 15,000 सब्सक्राइबर, तो इसी मद में जो है वो 15,000 सब्सक्राइबर को हमने टच करना है और क्रॉस कर देना है। तो डेली वीडियोस आ रही है, तो डेली मोहब्बत आपकी चाहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।